पिछले 5 से 6 साल में स्किन की बीमारियों में, फंगल इन्फेक्शन यानी दाद की बीमारी में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, यानी इसके मरीजों की संख्या बढ़ गई है, दाद एक मौसम में ना होकर पूरे साल रहने लगा है, इसके लक्षणों में बदलाव दिख रहा है, या फिर जो सामान्यतः काम आने वाली एंटी फंगल दवाइयाँ थी वो अब बेअसर हो रही हैं, ये सभी चेंजेस अनएक्सपेक्टेड हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर, आपको फंगल इन्फेक्शन यानी दांत खाज खुजली के बारे में स्टेप बाय स्टेप, इसके क्यों होता है, कारण और इन्फेक्शन होने की प्रक्रिया, लक्षण, इलाज और दोबारा होने से बचने के तरीकों के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले दाद या फंगल इन्फेक्शन, जिसको रिंगवर्म भी कहते हैं, जोक इच भी कहते हैं, एथलीट फूट, ये सब क्या है? ये सब स्किन में फंगस से होने वाले इन्फेक्शन हैं, जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में टीनिया भी कहते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। अब इसको रिंगवर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामान्यतः ज़्यादातर केसेज में जो इसका निशान बनता है चमड़ी में वो रिंग जैसा होता है, और उस रिंग की जो बॉर्डर होती है वो वर्म जैसी होती है, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में इसको रिंगवर्म कहा जाता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मरीज पूछता है हमसे कि दाद कैसे होता है। बैक्टीरिया वायरस की तरह फंगस भी एक तरह का कीटाणु है, जो बाहरी वातावरण से शरीर में अपने स्किन के संपर्क में आता है और इसकी जो ये बाहरी परत है इसमें इन्फेक्शन करता है। अपनी जो स्किन होती है उसमें पसीना, गीलापन, नमी या और साथ में इसका जो ऑयल होता है, लिपिड्स होती हैं और प्रोटीन होता है, वो इस फंगस के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। अब कई बार मरीज के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये इस स्किन के अलावा कहीं और तो नहीं हो रही हैं। यह डाउट सामान्यतः उसके लोकल केमिस्ट द्वारा या किसी झोले छाप जो इस बीमारी को देखकर नहीं पहचान सकता है उसके द्वारा उसके मन में डाल दिया जाता है कि आपका चमड़ी की एलर्जी हो गई है आपको, और आपका खून खराब हो गया है या बीमारी खून में हो गई है। तो ये क्वेश्चन किया जाता है कि कहीं मेरा खून तो खराब नहीं हो गया है या मेरे आप खून की जाँच करवा दीजिए। ऐसे मरीज जिनको ये बहुत ज़्यादा आकार में होता है, पूरे शरीर पर फैला हुआ हो या बार बार हो रहा हो, तो ऐसे संदेह आने लगता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो टीनिया यानी जो रिंगवर्म फंगस जो इन्फेक्शन है वो अपने स्किन की सबसे बाहरी परत का होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, और वो इस स्किन की बाहरी परत से नीचे ब्लड में एंटर नहीं करता है। तो अपने मन से ये संदेह निकाल दीजिए, और इस बीमारी के लिए, टीनिया और रिंगवर्म के लिए, खून से होने वाली जांचों में अपना समय और पैसा खराब मत कीजिए। अब मैंने कहा कि यह बाहरी वातावरण से स्किन के संपर्क में आता है, तो बाहर से कैसे यह स्किन में आ सकता है? सबसे कॉमन कारण इसमें होता है कि आप किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आए हों, ऐसे पर्सन के संपर्क में आए हों जिसको पहले से दाद हो रखा हो। अभी आपके फैमिली रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और कई कबार भीड़ वाली जगह पर अननोन पर्सन से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, टच से, छूने से फैलता है। दूसरा, आपके घर में पेट्स हों जैसे कैट या डॉग, जिसको रैशेज हों, साथ में बाल उड़े हुए हों, फुंसियाँ हो रही हों, तो वो फंगल इन्फेक्शन आप में ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरा, बेयर फुट वॉक यानी नंगे पैर चलने से अगर ऐसी सरफेस हो जो गीली रहती हो और टाइम से साफ़ नहीं होती हो, या स्विमिंग पूल के आसपास का जो एरिया हो वहाँ से यह पैरों वाली जगह पर या हाथों वाली जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जो एक और हमें कॉमन सेक्शन मिलता है मरीजों में कि जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो फ्रिक्वेंट ट्रेवल करते हैं अपने जॉब की वजह से, तो उनको कई बार कई जगह पर रुकने की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं होती है, तो गेस्ट हाउस में या लॉन्ज में या जहाँ भी वो रुक रहे हैं वहाँ पर बेडिंग्स प्रॉपरली क्लीन नहीं हो, चेंज नहीं हो, या टॉवल्स धुले हुए नहीं हो तरीके से, या धुले हुए हैं लेकिन पूरी तरह सूखे हुए नहीं हैं धूप में, नमी हो उनमें, तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये देखिए कि एक बार बाहरी वातावरण से आपके बॉडी में अगर आ गया तो किस तरह से ये आगे अपना फैलाव करता है।
तो जैसे ही आपके शरीर के संपर्क में आएगा, आपके शरीर की जो नमी है वो चाहे पसीने की वजह से आई हो या गीलेपन पानी की वजह से आई हो, वो इसको बढ़ावा देती है। तो यह धीरे धीरे अपनी संख्या वहाँ पर इंक्रीज करता रहता है कीटाणु। इसीलिए ये बीमारी गर्मी और बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तेज़ी से फैलती है। अब आपके शरीर में एक बार अगर ये निशान बन गया तो ये एक निशान शरीर में दूसरी जगह इस बीमारी को फैलाने के लिए सोर्स का काम कर सकता है। तो ये सब तरीके होते हैं जिससे ये बीमारी दूसरी जगह से अपने शरीर में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लक्षण की। तो किन जगह पर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है? शरीर की वो जगह जहाँ पर पसीना, गीलापन और नमी ज़्यादा आती हो और या ज़्यादा समय तक ठहर सकती हो, इन जगह पर फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत सबसे ज़्यादा होती है। तो ये गीलापन किस तरह से आ सकता है अपने शरीर में? एक तो कारण हो गया पसीना। ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग प्रोफाइल पर या बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेंडेंसी है पसीना आने की, उस पर। किसी किसी आदमी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और दूसरा है गीलापन नहाने के बाद वाला। नहाने के बाद में आप जल्दीबाजी में हैं, आपने शरीर को ठीक से नहीं पहुंचा है टॉवल से, तो आपने अपने सारे कपड़े पहन लिए हैं, तो वो जो नहाने का जो गीलापन है उसकी वजह से वो कपड़े गीले हो जाते हैं और लंबे समय तक नमी बनाए रखते हैं। तीसरा कारण होता है बारिश का गीलापन। इसमें भी आप बाहर हैं, बारिश में गीले हो गए हैं, लेकिन आप कपड़े चेंज करने की सिचुएशन में नहीं हैं जल्दी से, तो वो जो गीले कपड़े हैं वो जब तक सूखेंगे उतनी देर तक, और कई बार सूखने के बाद भी अगर मोटा कपड़ा है तो वो एक नमी बनाए रखता है जो इस फंगस को बढ़ावा देने का काम करता है। तो इन सब जगह पर जैसे ही ये सब चीज़ें हुई, गीलापन मिला, पसीना मिला, तो शुरुआत में एक खुजली चलती है। अब इन सब जो जगह मैं बता रहा हूँ, जैसे बगले हो गई या रागें हो गई या बम्स पर हो गया या बेल्ट वाली जगह पर हो गया, इन सब जगह पर सामान्यतः शाम को कपड़े खोलने के बाद 1-2-5 मिनट के लिए जो खुजली चलती है, अपना शरीर जो हवा के संपर्क में आता है और उसकी वजह से जो एक हल्की सरसराहट होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन दाद में वो खुजली बढ़ जाती है, लगातार होने लगती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और धीरे धीरे 5-7 दिन में आपको उस जगह पर लाल निशान दिखने लगता है। शुरू में वो लाल निशान दाना भी हो सकता है या चौड़ा फैला हुआ चपटा निशान भी हो सकता है। धीरे धीरे वो निशान फैलते फैलते एक रिंग की फॉर्म ले लेता है, यानी बीच में से वो क्लियर रहता है ज़्यादातर समय, और उसकी एक बॉर्डर होती है अच्छी खासी। उस बॉर्डर पर आपको कभी कभार लाल, पीले या सफ़ेद छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं। ये दाने उस फंगस की एक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं। अब एक जगह होने के बाद में ये निशान धीरे धीरे उसी जगह साइज में बढ़ता रहता है, या आपने वहाँ खुजली करके दूसरी जगह हाथ लगा लिया या वहाँ पर टॉवल से पहुँच कर शरीर को वो टॉवल दूसरी जगह काम में ले लिया, या आपका साबुन आप जो यूज कर रहे हैं दाद वाली जगह के लगा कर दूसरी जगह यूज कर रहे हैं उसको, तो वहाँ से वो शरीर में दूसरी जगह फैल सकता है। तो ये जो 4 जगह मैंने बताई ये इसकी कॉमन जगह हैं। इनके अलावा आजकल ये दाद शरीर के किसी भी हिस्से पर शुरू हो सकता है या तेज़ी से फैल सकता है। पहले सामान्यतः 2-4 निशान होते थे दाद के, आजकल इसके 10-15-30 निशान भी हो सकते हैं। और बड़े, पहले छोटे छोटे निशान होते थे, आजकल ये है बड़े आकार में भी अपने लक्षण दिखा सकता है। इसके अलावा जो दाद है वो अगर बच्चों में देखें तो जो ये चमड़ी का दाद है, इसके अलावा सर में भी हो सकता है और कभी कभार दाद नाखून में भी हो सकता है। नाखून में होने पर यह नाखून का कलर पीला कर देता है, नाखून की जो प्लेट है, नेल प्लेट जिसे हम कहते हैं, उसकी मोटाई बढ़ जाती है और वो थोड़ा सा फ्रेजाइल हो जाता है, यानी जल्दी से टूट फूटने वाला नाखून हो जाता है। और नाखून के इलाज में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, और आप जिस निशान, आपकी चमड़ी पर जो निशान है उस पर आप खुजली करते हैं, वो भी एक कारण होता है नाखून तक दाद का पहुंचने का। अब बात करते हैं बीमारी के लिए, बीमारी को पता लगाने के लिए जो जांच होती है उसकी। तो ज़्यादातर समय 90% टाइम पे इस बीमारी को देखकर पहचाना जा सकता है। जो चर्म रोग के डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो आसानी से इसको पहचान सकते हैं
देखकर और अपना इलाज स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई जांच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जब नहीं क्लियर हो रहा होता है कि ये दाद है या चमड़ी का कोई और रोग है, तो वहाँ से जो निशान है उस वाले एरिया से स्किन की स्क्रैपिंग लेकर के KOH एक सॉल्यूशन होता है जिसमें उस स्क्रैपिंग को रख कर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो वहाँ पर फंगस दिखती है। KOH माउंट जिसे हम बोलते हैं, उससे इसकी पहचान की जा सकती है। दूसरा, खून की जो चमड़ी की जांचें हैं, इसके अलावा कई कबार अगर जैसे मान लो बीमारी आपको बहुत ज़्यादा हो या बार बार हो रही हो, तो हमें कुछ चीज़ों का जो डाउट रहता है कि कहीं आपको बैकग्राउंड में शुगर तो नहीं चल रही है या और कोई इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन जो आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर रही हो, वैसी कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसके लिए हम कभी कभार शुगर की या थायराइड की या खून कमजोरी के लिए खून वगैरह की जाँच करवा सकते हैं। ये रेयरली करवाई जाती है। अब बात करते हैं फंगस के इलाज की। देखिए, इलाज है वो सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी बचाव से या सावधानियों से, और जो दवाइयाँ होती हैं उनका यूज़ डिपेंड करता है इसकी संख्या पर, इसके आकार पर, कितनी जगह पे शरीर पे हो रखा है, कितना पुराना है। आपने इससे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचने से पहले कोई सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं कर रखी है खुद से, या किसी और नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कुछ गलत तरह की दवाइयाँ स्टेरॉइड क्रीम्स तो नहीं लगा रखी हैं, और एट प्रेजेंट उस बीमारी का ओवरऑल सीवियरिटी कितना है, आपका एज, आपका वेट, बच्चा है पेशेंट या एडल्ट है, जो लेडी अगर पेशेंट है तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है या प्रेगनेंसी प्लान तो नहीं करने वाली है रिसेंटली आने वाले दिनों में, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हम सभी डर्मेटोलॉजिस्ट ये सलाह देते हैं कि आप खुद से इसकी दवाई ना करें, हमेशा डॉक्टर को एक देखो, दाद कहने को बहुत सिंपल बीमारी है लेकिन अब ये बीमारी उतनी सिंपल रही नहीं है, तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें। इसकी दवाइयों में लगाने की ट्यूबें आती हैं, खाने की गोलियाँ कैप्सूल आते हैं, साथ में सपोर्ट के लिए खुजली की दवाई आती है, और कई कबार एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर या साबुन काम में लिया जाता है जब बीमारी बहुत एक्सटेंसिव हो। तो लगाने वाली ट्यूबों में जो कॉमनली जो मिलती है, आप भले ही इनको लिख के रख लीजिए, क्लोट्राइमाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ललिकोनाजोल, इबरकोनाजोल या एमरोल्फिन और साइक्लोप्रोक्स, ये सब एंटी फंगल क्रीम्स हैं, और प्लेन मोस्ट ऑफ द टाइम पे सिंपल सिंगल इंग्रेडिएंट में होती हैं, इनके साथ जनरली दूसरी दवाई नहीं होती। तो आप फंगस में ये सिंगल इंग्रेडिएंट वाली दवाइयाँ अपने घर पर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें से मोस्ट कॉमनली क्लोट्राइमाजोल ऑलमोस्ट हर मेडिकल पर मिलती है, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, उससे इस बीमारी को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा अपने शरीर में। दूसरा, खाने की जो गोलियाँ हैं उसमें पुराने ज़माने से अगर स्टार्ट करें तो ग्रीष्मोफुल्विन, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन और इट्राकोनाजोल, ये दवाइयाँ हैं। लेकिन इन चारों दवाइयों में कौन सी दवाई आपके लिए बेहतर रहेगी और उसकी क्या डोज आपको कितने दिन तक खानी है, ये स्किन का डॉक्टर तय करता है। तो आप खुद से स्टार्ट ना करें। खुद से स्टार्ट में ये होता है कि आप उसको आधी अधूरी लेंगे, उसकी डोज प्रॉपर नहीं लेंगे तो वो दवाई पूरा काम भी नहीं करेगी, और उस दवाई के लिए रेसिस्टेंट डेवलप होने की वजह से वो आगे दोबारा फ्यूचर में आपके काम नहीं आएगी। तो आप इस तरह से खुद से दवाई स्टार्ट ना करें। कई बार हमारे पास पेशेंट आता है जो इट्राकोनाजोल जैसी दवाई को खुद से खा कर हमारे पास, और वो जब हम पूछते हैं कि कितने टाइम से खा रहे हो, तो साल भर से खा रहे हैं, 6 महीने से खा रहे हैं, 3 महीने से खा रहे हैं, खुद से ही ले लेकर खा रहे हैं, कभी 100 mg खा रहे हैं, कभी 200 mg खा रहे हैं, कभी 400 mg खा रहे हैं, अपनी मर्जी से, मेडिकल वालों के कहने पे या किसी और दोस्त के कहने पे, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है इस बीमारी को। आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये जो दवाई है वो इस बीमारी के लिए सबसे टॉप मोस्ट की दवाई है, मतलब सबसे आखिर में जो काम में लेने वाली है वो दवाई है। तो आप इसको इस तरह से अगर यूज करके गलत पैटर्न में अगर आप इसको यूज करेंगे, गलत तरीके से प्रोटोकॉल में यूज करेंगे,
तो यह दवाई धीरे धीरे, जैसे इसकी पुरानी दवाइयाँ काम करना बेअसर हो गई हैं, वैसे वैसे ये दवाई भी बेअसर हो जाएगी। और अभी एट प्रेजेंट और कोई इस बीमारी के लिए ऑप्शन नहीं है, तो उसमें आपको फिर ये लंबी खानी पड़ती हैं, आपके इलाज की लागत बढ़ती है। उससे जो खुजली की दवाइयाँ हैं वो भी आप अपने घर पर स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें सेट्रिजिन लियो, सेट्रिजिन कॉमनली अवेलेबल होती है। एंटी फंगल पाउडर यूज कर सकते हैं, शूज़ में यूज कर सकते हैं, अपने पैरों के अंगुलियों के बीच में यूज कर सकते हैं, बेल्ट वाली जगह पर रागों में यूज कर सकते हैं, एंटी फंगल सोप भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये सब चीज़ें ट्यूब, पाउडर, खुजली की गोली और साबुन, ये सब चीज़ें आप घर पर स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बीमारी को आगे बढ़ने की जो स्पीड है उस पर रोक लग जाती है, और फिर इतने टाइम में आप जल्दी से जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट को ढूंढ कर उसको दिखाएं, और खाने की गोली अगर नहीं ठीक हो रहा है तो खाने की गोली स्टार्ट करें। सो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको जो ट्रीटमेंट देगा उसको लगातार पूरा करना है, उसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 10 से 12 दिन की दवाई लेने के बाद दांत क्लीन हो जाता है, स्किन से साफ हो जाता है, आप ये सोचकर उसको छोड़ देते हैं, और वो जो दवाई है वो स्किन से अगले 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाती है, तो वो दांत फिर से वापस दिखने लगता है। फिर आप या तो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं या अपने हिसाब से दवाई दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सब ना करें। डॉक्टर ने आपको अगर बोला है कि 2 से 3 महीना आपको दवाई लेनी है, तो जैसे जैसे डॉक्टर जो डोजेज डॉक्टर खिला रहा है वो डोजेज आप रेगुलर टाइम से खाएं, तभी जाकर आपको इससे जड़ से और या फिर लंबे समय तक मुक्ति मिल सकती है इस बीमारी से। तो सामान्यतः दांत का जो इलाज है वो 2 से 2.5 महीना यानी 8 से 10 हफ्ते ज़रूरी होता है, और वो लगातार लेना पड़ता है। और जब बंद कर रहे हैं उस टाइम पर ज़रूर अपने डॉक्टर को वापस जाकर अपने बीमारी के सारे निशान वापस दिखाएं उसको डॉक्टर को, और उसको लगेगा डॉक्टर को कि हाँ अब जो स्किन है वो हेल्दी हो गई है, या दवाई बंद करने की सिचुएशन में आप आ गए हो तो वो दवाई बंद कर देंगे। आप खुद से दवाई कभी भी बीच में बंद ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको फंगस की बीमारी, स्किन में होने वाली इस बीमारी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। इसका सबसे मूल सार इस वीडियो का यही है कि आप दाद एक सिंपल बीमारी है, लेकिन आप इसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्टेरॉइड वाली क्रीम्स यूज ना करें, और खाने वाली गोलियां डर्मेटोलॉजिस्ट की देखरेख में ही पूरी करें, और इलाज को बिना गैप किए पूरा करें, तभी जाके आप इस बीमारी से बच सकते हैं और जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।